हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों ये कुछ एक खूबसूरत पौधे के बारे में। तो कौन सा पौधा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों अलमंडा। अलमंडा पौधा एक दोस्तों परमानेंट पौधा है। मेरे पास तीन कलर के पौधे हैं। एक ये है, ये पीच कलर का है, और एक मेरे पास ये येल्लो कलर का है। पीच कलर का मेरे पास दोस्तों दो हो गए हैं, क्योंकि एक मैंने कटिंग से लगाई थी। ये देखिए, एक पीच कलर का ये है, दिखाती हूँ, और एक दोस्तों मेरे पास इस कलर का है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक इस कलर का है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है मेरा गमला पौधा, और मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो ये तीन मेरे पास हैं दोस्तों। और अलमंडा का पौधा बहुत ही ज़्यादा परमानेंट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल देता है। बिना केयर के, बिना मतलब ज़्यादा फर्टिलाइज़र के ये पौधा चलता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा हमें दोस्तों देखरेख नहीं करनी पड़ती है, और ये बहुत आसानी से चलने वाला पौधा होता है। ये देखिए, ये हम कटिंग से भी, इस समय बहुत अच्छा टाइम है, कटिंग से भी लगा सकते हैं अगर कटिंग लगाना है। लेकिन अभी अगर आपके पौधे में फूल आ रहा है तो आप कटिंग अभी मत लगाइए, थोड़ा आप रुक सकते हैं, फूल आना कम हो जाए उसके बाद कटिंग लगा सकते हैं। और ये दोस्तों पूरे दिसंबर तक फूल आराम से देता है, मतलब एक महीने में सिर्फ फूल ये नहीं देता है। फेब्रुवरी में इसकी ग्रोथ, विंटर के बाद फेब्रुवरी में इसकी ग्रोथ होने लगती है, और ग्रोथ होने के बाद ये फूल देना चालू करता है। तो ये देखिए कलियाँ बनी किस तरह से है। तो ये बराबर फूल बराबर देता ही रहता है, मतलब इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल हम खाद देंगे तभी ये फूल देगा, वरना ये फूल नहीं देगा। ये फेब्रुवरी महीना आते आते इसमें ग्रोथ नहीं होने लगती है। और ये देखिए, जब हम कुछ इसमें से तोड़ते हैं ना, तो इसमें इस तरीके से वाइट वाइट दूध तरीके वाइट कलर का दूध जैसे लिक्विड निकलता है। तो इसे थोड़ा ध्यान रख के मतलब करें। और मेरे पास तीन कलर के हैं, और ये वाला तो मैं कटिंग से लगाई हूँ, ये वाला जो है पीच कलर का, ये कटिंग से मैंने इस वाले पौधे से लगाई हूँ। तो ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अभी फूल आ रहे हैं तो आप रुक जाइए, आप विंटर के टाइम पर इसे जब ब्रूनिंग वगैरह आप करेंगे तब आप इसे बहुत अच्छे आराम से कटिंग से लगा सकते हैं। विंटर में भी ये कटिंग से लगा देंगे ना, फिर भी ये ग्रोथ बहुत अच्छा ले लेता। मैं तो इसमें विंटर में ही ये पीच कलर वाला लगाई थी, ये वाला, और बहुत अच्छे से देखिए, ये मतलब एक ही में दो लगा है, एक येल्लो वाला लगा है और एक ये वाला पीच वाला भी लगा है। खाद की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में हम फेब्रुवरी महीने में जब इसकी ग्रोथ शुरुआत होती है तब हम इसे खाद दे सकते हैं। इसे खाद दे देंगे तो वही खाद, मैंने भी फेब्रुवरी महीने में खाद दी थी, उसके बाद कोई भी खाद अभी तक नहीं दी हूँ, और ना ही ज़्यादा मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे पाई हूँ। क्योंकि जो पौधे ऐसे आराम से चलते रहते हैं और कहीं से भी कुछ भी ख़राब होने की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनमें ज़रूरी ही क्या है खाद देने की। और देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग भी कर रहा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये इस तरह से लैगी सा हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो इसे ना हमें बांधना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये सरिया लगाई थी, और इससे ना मैं ये डोरी से इसे बांधी हुई थी। ये देखिए बहुत ज़्यादा लटक सा गया है पौधा, बिल्कुल हिल मतलब हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ये देखिए, तो इस ये बांधना बहुत ज़रूरी होता है, ना बांधने से, ये देखिए इसमें भी मैंने एक सरिया लगाई हूँ और इसे बांधी थी, पर इसकी रस्सी शायद टूट गई है, ये देखिए यहाँ पर। और इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि ये पौधे अभी एक में दो लगा है, तो इस वजह से बहुत अच्छे से ये येलो वाला ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, बाकी तो दूसरा वाला बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रहा है। पानी दोस्तों आप इसे बराबर देते रहिए, क्योंकि जब मुरझा पानी इसे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जब इसके पानी सूख जाता है बिल्कुल मिट्टी, तो ये बिल्कुल पौधा झुक जाता है इसकी एकदम से अजीब तरीके, बहुत जल्दी इसके फूल ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मिट्टी थोड़ी सी गीली आप रखिए, गीली मिट्टी रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा पौधा, और फूल ये कई दिन तक खिले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज खिला और कल तक ये फूल ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये फूल बहुत अच्छे से आराम से खिलता रहता है, काफ़ी दिन तक फूल चल जाते हैं, दो दिन तक तो आराम से बहुत अच्छे से। और इसे हमें दोस्तों पूरी धूप में रखना पड़ता है, जहाँ कम से कम, अगर पूरे दिन के धूप में भी हम रखेंगे ना, फिर भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। मेरे यहाँ तो पूरे दिन की धूप ही इसे लगती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा छाया है नहीं, अगर छाया भी है तो मैं गुलाब
के पौधे को ज़्यादा छाया में रखती हूँ। और इसे पूरी मई जून जुलाई पूरी मतलब गर्मी धूप सब इसमें आराम से पड़ता रहा है। और ये देखिए फूल भी इसमें बहुत अच्छा रहा, तो ये धूप बहुत आसानी से झेल जाता है। अगर आप लोग अभी नहीं लगाए हैं इसे तो आप नर्सरी से अभी भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से दिसंबर महीने तक अभी फूल इसमें आएगा। अगर आप धूप में ही रखे रहेंगे जहाँ पर अभी भी धूप आ रही है, दिसंबर में धूप हल्की फुल्की से मिलती रहती है, तो ये दिसंबर तक दोस्तों फूल बहुत अच्छे से देता है। जनवरी तक भी देता है, पिछली बार तो मेरे बहुत टाइम तक इसमें फूल दिया हुआ था। पानी की कमी आप मत रखिए, पानी ज़रूर इसे मिट्टी इसकी गीली रखें बना के रखें। जैसे मैं दिखाती हूँ ये देखिए इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी गीली बनी है, और ये गीली ही रहती है दोस्तों। इसे थोड़ा गीली रखना ही पसंद है, क्योंकि गीले नहीं रखते तो ये जो इसके फूल है तो ये बिल्कुल अजीब तरीके से मुरझा जाते हैं, मुरझा कर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अगर हम मॉइस्ट थोड़ी सी मिट्टी रखते हैं तो ये फूल इसके काफ़ी टाइम तक चल भी जाते हैं, जल बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं भी इसकी कटिंग दोस्तों लगाऊंगी, येलो वाले इसकी लगाऊंगी, येलो वाले की ये वाले, ये काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। और एक मैं दूसरी भी लगाऊंगी, जब लगाऊंगी तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और ये मेरे पास इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी भी नहीं हो रही है, क्योंकि एक ये 8 या 10 इंच का ही गमला है। आप देख सकते हैं 10 इंच के गमले में 2 पौधा लगा है, एक ये है और एक ये वाला है। तो एक ये वाला मेरा कटिंग का है और ये वाला जो मैं दूसरा ख़रीद के लगाई थी वो है, तो इसमें 2 लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप फेब्रुअरी महीने में आप इसे बहुत अच्छे से अगर खाद दे देंगे फेब्रुअरी के टाइम पर, वर्नी कंपोस्ट है, एप्सम सॉल्ट, सीवीड सब मिलाकर, नीम की खली सभी मिलाकर हम वर्नी कंपोस्ट 1-2 मुट्ठी करके दे देंगे सभी को मिलाकर, तो ये बहुत अच्छे से दोस्तों फूल देते ही रहता है। इसे हमें हर महीने फूल खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पौधा बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसमें बिल्कुल ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना ही हमें ज़्यादा खाद देना पड़ता है। पानी जब हम इसकी मिट्टी सूख जाए तभी हम दें, तो ये ज़्यादा अच्छा चला है। और थोड़ा गीला भी रहता है तो कोई बात नहीं है, इसे आप एक इस तरह से कहीं ना कहीं बांधने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इस तरह से देखिए लटक रहता है, जैसे ये लटक रहा है इसी तरह से ये लटक जाता है, तो इसे एक मतलब सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया पौधा, तो इसे देखिए सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा ही पड़ रही है। और बाकी ये भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी पर ये मैंने कट कर दी थी, तो इसी वजह से कटिंग से आप अभी भी लगा सकते हैं। आज हमारी हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, कटिंग से अभी भी लगा सकते हैं। नहीं है तो आप नर्सरी से ले आइए, आपका ये दिसंबर तक फूल बहुत अच्छे से देगा, बहुत ज़्यादा इसमें केयर नहीं करना पड़ता है। तो ये हम कोई भी बिगनर से या कोई पौधा फूल वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो ये वाला ज़रूर दोस्तों लगाइए, ये बहुत ही अच्छा चलने वाला पौधा है। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो अलमंडा के बारे में। खाद तो मैंने इसमें अभी नहीं दिया है, फेब्रुअरी महीने में दी थी, वही खाद इसके लिए बहुत ज़्यादा है। अब बार बार मैं खाद नहीं देती हूँ, आप देख सकते हैं कलियाँ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, ऐसा नहीं कि कली नहीं बनी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए, तो यही तक था दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली कोई वीडियो में। और आप ये पौधा अगर आपके यहाँ नहीं लगाना तो आप ज़रूर लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा पौधा है, परमानेंट है। एक बार हम ले लेंगे फिर इसके इतने पौधे तैयार हो जाएंगे कि हम कहाँ कहाँ तक लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।